तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आईपीबी से फोन पे लिंक करने के लिए, तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से दोस्तों आप आईपीबी अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी तक आपने दोस्तों लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहले बार हैं एंड दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा। इससे दोस्तों ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आप फोन पे से लिंक करने के लिए, यानी कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं फोन पे एप्लीकेशन में आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आप ऐड करने के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को कर लेना होगा ओपन, देन उसके बाद सर्च बार में आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको इधर फोन पे लिखकर सर्च कर देना होगा। अब दोस्तों आप जैसे ही फोन पे लिखकर सर्च करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलता है फोन पे एप्लीकेशन। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इधर प्ले स्टोर से फोन पे एप्लीकेशन का अपडेट चेक कर लेना होगा। अगर अपडेट आए तो आपको अपडेट कर लेना है। इससे दोस्तों ये होगा कि जो भी फोन पे एप्लीकेशन में न्यू फीचर आया होगा आपको दोस्तों इसमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि अगर दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन का प्ले स्टोर से अपडेट आया है एंड दोस्तों अगर आप अपडेट ना करते हैं तो क्या पता दोस्तों आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को फोन पे में दोस्तों आप ऐड ना कर सके हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फोन पे एप्लीकेशन का प्ले स्टोर से अपडेट चेक कर लेना होगा। अगर अपडेट आए तो आपको अपडेट कर लेना है एंड उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप फोन पे एप्लीकेशन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इसमें अपना अकाउंट बना लेना होगा। एंड दोस्तों आप जैसे ही आप अपने फोन पे एप्लीकेशन में आप अकाउंट बना लेते हैं एंड उसके बाद सिंपल आपको ऊपर से में आपका जो भी प्रोफाइल देखने को मिला है सिंपल आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना होगा। देन इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसे कि बैंक अकाउंट। सिंपल दोस्तों आपको बैंक अकाउंट्स इस पर क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपका जो ऑलरेडी पहले से ही कोई बैंक अकाउंट ऐड होगा वो सारा बैंक अकाउंट आपको दोस्तों इधर देखने को मिल जाता है। अब अगर आप चाहते हैं दोस्तों आप अपने फोन पे एप्लीकेशन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आप ऐड करने के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसे कि ऐड न्यू बैंक अकाउंट। तो सिंपल दोस्तों आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि सिलेक्ट ए बैंक लिंकेड विथ, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आपको इधर शो करने को देखने को मिल जाता है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपके सामने काफी सारा इधर बैंक देखने को मिल जाता है जिसको आप इधर से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इधर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अगर आपको इधर देखने को नहीं मिल रहा है तो सिंपल दोस्तों आपको सर्च बाय बैंक नेम इस पर क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखकर सर्च कर देना होगा। अब दोस्तों आप जैसे ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखकर सर्च करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो सिंपल दोस्तों आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलता है वैलिडेट मोबाइल नंबर। दोस्तों अगर आपके फोन में दो सिम कार्ड लगा है तो दोस्तों आपको उस सिम कार्ड पर आपको क्लिक कर देना होगा जिससे कि दोस्तों आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक है। जैसे कि दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मेरा इधर सिम वन से है लिंक, तो सिंपल दोस्तों मैं इधर सिम वन पर क्लिक कर दिया। दोस्तों अगर आपके सिम टू से है तो सिंपल आपको सिम टू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। देन जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ परमिशन आएगा तो आपको इधर से अलाउ कर देना होगा। देन उसके बाद आपको करना होगा थोड़ा सा वेट, जैसे आप वेट करते हैं उसके बाद दोस्तों जो आपका बैंक अकाउंट है वो दोस्तों आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फोन पे एप्लीकेशन से लिंक हो जाता है। तो अब दोस्तों जो आपका बैंक अकाउंट है दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन से लिंक हो जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि भी आप देखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मेरा। दोस्तों अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आप कहीं भी लिंक नहीं किए हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप फोन पे ही एप्लीकेशन में अगर आप ऐड कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि कोई भी यूपीआई ऐप से में आप यूज नहीं किए हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको एटीएम कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों एटीएम कार्ड का डिटेल्स आपको आईपीबी जो एप्लीकेशन रहता है जैसे कि दोस्तों आपको प्ले स्टोर में आ जाना होगा। देन उसके बाद दोस्तों आपको आईपीपीबी लिखकर सर्च कर देना होगा। जैसे आप दोस्तों आईपीपीबी लिखकर सर्च करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है जैसे कि आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग। दोस्तों आपको एटीएम कार्ड का डिटेल्स आपको इसी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए जैसे कि आईपीबी मोबाइल बैंकिंग लॉगिन कैसे करें, तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर दोस्तों डिटेल में वीडियो बना दूंगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका एनी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं किसी से ही नेक्स्ट वीडियो में।